हाय एवरीवन आज मेरा वीडियो जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग था जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि कैसे हम बच्चे की लिसनिंग और अटेंशन स्किल पे काम करेंगे और उसके बाद हम बच्चे को कैसे आगे लेके जाएंगे इस बात पे मुझे वीडियो बनाना था तो मैं शुरू करती हूँ तो जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है कि बच्चे के अटेंशन और लिसनिंग स्किल पर हम कैसे काम करेंगे क्योंकि बच्चे को सिखाने के लिए दोनों चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वीडियो ज़रूर देखें आगे हम शुरू करते हैं अब बच्चा सुनता भी है और बच्चा आपको अटेंशन भी देता है अब हम आगे क्या करेंगे अब हम उस मोड में हैं जहाँ पे हम बच्चे को सिखाएंगे और बच्चा सीखने के लिए रेडियो का तो अब हम सीखेंगे कैसे हम बच्चे को कौन सा टीचिंग स्टाइल बच्चों को हेल्प करेगा तो कुछ टिप्स है इसमें कि हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे ढंग से हमसे जो हम सिखाना चाहते हैं वो सीखें सो नंबर वन नंबर वन ये कि जब भी आप बच्चे से बात करें आप हमेशा उसका नाम लेंगे जैसे मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ और ईशा मेरे सामने भी है तो मैं उसे नहीं बोलूँगी ऐसा करो या ये दो एप्पल दो कार दो मेरा जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा ईशा मैं उसका नाम लूँगी सेकंड आपको बच्चे को टाइम देना है जब तक वो आपका नाम बोलने पर बच्चा जब तक आपकी तरफ ना देखे या आपको अटेंशन ना दे तब तक आपको कोई इंस्ट्रक्शन उसे नहीं देना है तो आपको वेट करना है बच्चे के अटेंशन का नंबर थ्री आपको बच्चे के लेवल पर जाना है मतलब जब मैं बोलूं ईशा तो ईशा मुझे ऐसे देखे उसे बेटर है कि मैं ईशा के लेवल पर जाऊं आई लेवल पर और मैं उसको देख करके बोलूं ईशा मैं पहले नहीं उम्मीद कर सकती कि ईशा मुझे आई कॉन्टैक्ट देगी या मुझे प्रॉपर देखेगी तो मुझे ईशा के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाना है या ईशा के साथ ईशा के लेवल पर जाना है नेक्स्ट स्टेप है कि आप बच्चे को टाइम देंगे आप कोई भी बात बोल करके बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा आपको तुरंत रिप्लाई देगा वो चाहे नॉन वर्बल हो या वर्बल हो आप वेट करेंगे बच्चा आपको क्या रिस्पांस दे रहा है आप वेट करेंगे मैंने ईशा के केस में मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ मैं जब ईशा से क्वेश्चन पूछती थी ये क्या है मैं काउंट करती थी थ्री फोर फाइव टिल ट्वेंटी और कभी कभी मुझे सिक्सटी तक भी काउंटिंग करनी पड़ती थी और मुझे ईशा रिस्पॉन्स देती थी मुझे एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने बताया था कि जब बच्चों के साथ हम बात करते हैं हमारा ब्रेन बहुत फास्ट प्रोसेस करता है बट इन बच्चों के लिए स्पीच बहुत मुश्किल होती है तो इनको बहुत टाइम लगता है तो आपको उतना टाइम बच्चों को देना पड़ेगा अब अगर बच्चा आपको कोई रिस्पॉन्स देता है आपको उसे बहुत प्यार बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन देना है ताकि बच्चा आपको रिस्पॉन्स देने के लिए हमेशा रेडी रहे तो ये तो थी जो टीचिंग का स्टाइल था मैंने आपको बताया और रियली ये जो टीचिंग का स्टाइल है ये बहुत सारे वन्डर्स करता है मैंने ईशा पे अप्लाई किए थे और हर चीज़ ने बहुत अच्छे से काम किया था अब हम आते हैं कि हम बच्चों को आ, जब बच्चे में सारी चीज़ें आ गई हैं तो अब हम बच्चों में कैसे हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे? तो हम क्या चाहते हैं बच्चा वो समझे जो हम बोल रहे हैं बच्चा वो सुने जो हम कह रहे हैं बच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलो करे बच्चा हमसे बात करे इन सब चीज़ों का बेस है अंडरस्टैंडिंग अब हम अंडरस्टैंडिंग पर काम कैसे करेंगे हमें अपने कमेंट्स बहुत सिंपल रखने हैं जैसे पहले मैं शुरू करूंगी कि मुझे डे टू डे एक्टिविटी में ट्राई करूंगी कि ईशा समझे कि मैं क्या बोल रही हूं और उससे उस चीज़ का क्या रिश्ता है जैसे मैं बोलूंगी इट्स नाइट टाइम या फिर इट्स एन एनी टाइम मैं डेली ये बात बोलूंगी और उसके बाद मैं उसे बेड पे लेके जाऊंगी धीरे धीरे वो उस फ्रेज से समझने लग जाएगी कि जब भी ममा ये बोलती है मुझे सोना होता है जब बच्चा सुबह उठता है आप उसे उठाते हो आप बोलोगे इट्स अ मॉर्निंग टाइम आप हर चीज के साथ एक फ्रेज रखोगे ब्रश करेंगे टीथ हर चीज़ और हर बार सेम फ्रेज बोलेंगे जब हम वो एक्टिविटी करेंगे। आप इसके साथ विजुअल्स भी यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में विजुअल के साथ बोलो ताकि बच्चे को विजुअल से विजुअल मेमोरी भी मिले कि हम ये करने वाले हैं और बोलने से ऑडियो भी मिले और जब हम काम कराएंगे तो बच्चे को उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी आए धीरे धीरे विजुअल्स कट ऑफ कर देने हैं ताकि बच्चा आपकी बात सुने और उस पर रिस्पॉन्स दे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस चीज से उसकी डेवलप हो जाए तो ये तो मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल दिया है आप हर चीज़ का एक फ्रेज रखेंगे इट्स अ प्ले टाइम इट्स अ बाथिंग टाइम सब चीज़ों में आप बोलेंगे तो बच्चे को धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि ये चीज़ का मतलब ये होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होने लग जाएगी अब हम इंस्ट्रक्शंस कैसे समझाएंगे सपोज मैं कहती हूँ मुझे चाहिए कि ईशा मेरे पास आ जाए तो सपोज ईशा मुझसे दो कदम की दूरी पर है तो मैं बोलूंगी ईशा का मैंने क्या किया कमांड के साथ गैस यूज किया ईशा गो ईशा लो ईशा खाओ ईशा पियो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ बच्चे को गेस्चर और बच्चे को ऑडिटरी दोनों इनपुट दे रही हूँ तो बच्चे को आप स्टार्टिंग में प्रॉपर दोनों चीज़ों का यूज़ करके उसको ये चीज़ बताओगे कि इस चीज़ का मतलब ये है धीरे धीरे बच्चा आपके बिना गेस्चर के भी समझने लग जाएगा कि इसका मतलब ये होता है मम्मा मुझसे ये कहना चाह रही है धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि जब आप दूसरे कमरे से भी ये सेम बात बोल रहे हो ईशा आओ तो बच्चा आ रहा है ईशा जाओ तो बच्चा जा रहा है आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो इसमें मैंने क्या किया मैंने सिर्फ दो वर्ड यूज किए हैं मैंने कोई भी कमांड कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है तो धीरे धीरे आप देखोगे कि बच्चा आपके बेसिक कमांड समझने लगा है अब हम आते हैं स्पीच सोशल स्किल और फैमिली मेंबर्स के आइडेंटिफिकेशन पे अब हम इस पे काम कैसे करेंगे तो स्पीच में हमें सबसे पहले बच्चे को वोकेब्री देनी है वोकेब्री बोलने से पहले हमें उसके आइडेंटिफिकेशन पे काम करना है आइडेंटिफिकेशन मतलब बच्चा पहचाने कि क्या चीज क्या है बच्चा समझे कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो जब तक बच्चा समझेगा नहीं बच्चा बोलेगा नहीं अगर बोलता भी है कई बार क्या होता है बच्चे बोलते हैं पर मतलब कुछ समझ में नहीं आता तो हमें क्या करना है बच्चे को समझाना भी है और बच्चे के स्पीच पर भी, भी काम करना है तो पहले हम आइडेंटिफिकेशन पे काम करेंगे अब यहाँ पर हम बहुत छोटे छोटे टास्क रखेंगे जैसे हमने फोर एनिमल्स बताए हम अपने टास्क रखेंगे कि एनिमल्स पता होना चाहिए फूड्स पता होना चाहिए वेजिटेबल्स पता होना चाहिए क्लोदिंग पता होनी चाहिए कौन से कपड़े क्या है बच्चे को फैमिली मेम्बर्स पता होने चाहिए बॉडी पार्ट पता होने चाहिए आपको बेसिक चीज़ें रखनी है हर चीज़ में आप पांच पांच चीज़ें रख लीजिए कि फ्रूट्स में ये फाइव फ्रूट्स बॉडी पार्ट में ये फाइव बॉडी पार्ट जो मेन मेन आपको लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है बच्चे को आने चाहिए डेली आपको फ्लैश कार्ड से बच्चे को आइडेंटिफिकेशन पे काम करना है आपको हर चीज़ उसको फ्लैश कार्ड दिखानी है रोज रोज जब आप उसे इंट्रोड्यूस कराओगे तो आप खुद नोटिस करोगे कि बच्चा आइडेंटिफाई करने लगा है क्यों क्योंकि आपने बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया है बच्चे की लिसनिंग बच्चे की अटेंशन बच्चे की अंडरस्टैंडिंग तो बच्चा ऑटोमेटिकली अब उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लग जाएगा अब हम आते हैं कि अब वो फैमिली मेंबर्स को कैसे पहचानें जैसे हम लोग को काफ़ी बार देखते हैं कि बच्चे मम्मा डैडी कई बार बोलते तो हैं लेकिन एक्चुअली में कौन मम्मा डैडी उनको भी नहीं बोलते तो ईशा को ये प्रॉब्लम थी बट ईशा बहुत अच्छे से फेसेस नहीं रिकॉग्नाइज करती थी तो उसे समझ में नहीं आता था उसके साथ तो जब मैं काम कर रही थी तो मुझे बहुत आइडिया नहीं था बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे ईशा की एज बढ़ी तो बहुत कुछ समझ में आया तो क्या चीजें काम करेंगी इसे हम करेंगे प्ले एक्टिविटी से काम आपको क्या करना है आपकी फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं आपको एक प्ले टाइम रखना है जिसमें आप जितने भी फैमिली के सदस्य हैं मम्मा डैडी दीदी भैया और बच्चा आप सब वहीं पे खड़े हैं आपने एक बॉल ली है और आप जब बॉल को थ्रो करोगे तो आप उस पर्सन का नाम लोगे जिसकी तरफ आप थ्रो कर रहे हो जैसे मैं थ्रो कर रही हूँ मम्मा मम्मा थ्रो कर रही है डैडी डैडी थ्रो कर रहे हैं भैया भैया थ्रो कर रहे हैं है है दीदी दीदी थ्रो कर रही है जो भी बच्चे का नेम है ईशा यहाँ पर हम जो ईशा के जो रिलेशन है बाकी लोगों से हम वो नाम लेंगे ताकि ईशा वो फैमिली मेंबर को उस नेम से रिकॉग्नाइज करें जब हम धीरे धीरे ये एक्टिविटी करेंगे हम बच्चे को फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि बच्चा बोलता नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा बट वट वी विल ट्राई कि बच्चा हम बोले अब ईशा का टर्न है ईशा थ्रो मम्मा तो बच्चे उठाएगा और मम्मा की तरफ थ्रो करेगा हो सकता है बच्चा कई बार गलत करे लेकिन काफ़ी ट्रायल्स के बाद बच्चा एग्जैक्ट सही इंसान के पास वो चीज़ सही फैमिली मेंबर के पास बॉल थ्रो करने लग जाएगा तो आइडेंटिफिकेशन आपको ऐसे पता चल जाएगा कि बच्चे को समझ में आ रहा है जब आप बोल रहे हो इसको बॉल दो तो जाके बच्चा दे दे रहा है इसमें हम और काम कैसे करेंगे आपको फैमिली मेंबर्स की फोटोग्राफ्स को उन सब जगह पे लगाना है जहां बच्चा सबसे ज्यादा रहता है जैसे कि किचन के फ्रिज के ऊपर बेडरूम में अलमेरा पे थोड़ी बड़ी बड़ी फोटोज देनी ताकि बच्चे को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाए और बच्चे को सोते जागते दिन रात आपको हमेशा उसे बताते रहना ये मम्मा है ये डैडी है ये ये है ये ये उसके बाद जब बच्चा थोड़ा थोड़ा रिकॉग्नाइज करने लगा है तो उसमें से एक पिक्चर हटा देनी है आज कौन नहीं है जस्ट बच्चे के साथ प्ले में जब आप काम करेंगे ना तो बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं होगा और आपके ऊपर भी प्रेशर नहीं होगा तो आप खेल खेल में बहुत कुछ बच्चे को सिखा पाओगे तो धीरे धीरे आप रिकॉग्नाइज करोगे कि बच्चा फोटो जो पहचानने लगा है तो वो एक्चुअली में लोगों को पहचानने लगा है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को एक्चुअली में पहचानने लगा है अभी हम आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं अगर बच्चा आइडेंटिफिकेशन करने लगा है ना तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्योंकि बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है अब हम आते हैं सोशल स्किल्स पे ये सब बच्चे की जो स्टार्टिंग की एज होती है ना ये सारे वो सारे स्टेप्स हैं और मैं आपको स्टार्टिंग से लेके चल रही हूँ तो अब हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप जब बच्चा छोटा है और हम चाहते हैं हमारे घर में कोई आए तो वो हाय हेलो करे बाय करे क्योंकि तो हम बेसिक बच्चों से ये चीज़ की उम्मीद करते हैं अब ये कैसे सिखाना है तो मैंने ईशा को सिखाया था मैंने कुछ गलतियां करी थी तो मुझे अब समझ में आता है कि वो क्यों ऐसा हुआ था मैंने ईशा को बाय सिखाया था तो मैं ईशा को सामने से करती थी बाय ईशा ऐसे करो बाय तो ईशा ने ऐसे करना शुरू कर दिया इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं जब मैंने ईशा की साइकोलॉजी रीड करी तो मैं समझ पाई कि वो ऐसा क्यों करती है आप देखो मेरे हाथ का ये हिस्सा आपको दिख रहा है तो ईशा मेरा ये हिस्सा देखती थी तो वो मुझे कॉपी करके ऐसे करती थी क्योंकि उसे भी यही हिस्सा दिख रहा है तो मैंने ईशा को अपोजिट दिखाया बाय ईशा देन ईशा ने किया बाय मामा मतलब मैं उसकी मिरर इमेज दिखा रही हूं एक तो ये तरीका है दूसरा है मिरर प्ले मतलब आपको मिरर के सामने एक्ट करना है जैसा आप चाहते हो हेलो तो वो भी आपकी तरह कहेगा हेलो आप बाय करना चाहते हो तो मिरर के सामने करोगे तो आपको उल्टा करने की जरूरत नहीं क्योंकि बच्चा आपको देख रहा है उसी तरीके से वो हाथ को फॉलो कर रहा है तो इस तरीके से आप बेसिक जो है सोशल स्किल भी उसको लर्न करवा सकते हो तो ये थे जब बच्चे में अटेंशन की स्किल आ गई है और लिसनिंग की स्किल आ गई है उसके बाद हम बच्चों को सिंपल कमांड फॉलोइंग और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पे काम करेंगे तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्प करे और मेरा नेक्स्ट वीडियो इससे आगे का होगा और वो होगा आज हमने सीखा है आइडेंटिफिकेशन कैसे सिखाएंगे बेसिक कमांड फॉलोइंग कैसे सिखाएंगे अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाएंगे और मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा इसके आगे की स्किल्स पे कि इससे आगे हम बच्चे को कैसे लेके जाएंगे आज के लिए इतना हम फिर मिलेंगे बाय